हमारे साथ हैं संदीप जी, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। संदीप जी, अभी एक स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल था वो, उसके अंदर एक प्रधानाचार्य थे इंग्लिश की, वो आशाराम बापू की किताबें बच्चों को पुरस्कृत कर रही थी, बांटने लग रही थी, तो कहाँ तक सही है ये बच्चों को ये पढ़ाना, वो बताएं। देखिए, आज भी आशाराम जो जेल में है और उन पे 376 की धाराएं लगी हैं और उनको सजा हुई है, उनके बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं और बहुत सारे उनकी लाइब्रेरी और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें मोदी जी भी जाते थे उनके प्रोग्रामों में, योगी जी भी, सारे संत जाते थे, रामदेव भी, सारे लोग जाते थे, ठीक है, और उन्हीं लोगों ने उसको जेल में भी डालने का काम किया है ना। तो ये किस तरह का करेक्टर पढ़ाना चाहते हैं समाज को, वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और आप अगर इनके परिवेश में जाएं, जहाँ से इनका धर्म शुरू होता है ना, तो कैसे कैसे भगवान बनाए इन लोगों ने, आपको वो सारी बातें पता है। तो जिस तरह की मानसिकता बच्चे पढ़ेंगे, उस तरह की मानसिकता बनेगी। तो इस देश में अगर पढ़ाना ही है किसी को, तो माननीय साहब कांशीराम को पढ़ाएं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाएं, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाएं, शहीद भगत सिंह को पढ़ाएं, उद्धम सिंह को पढ़ाएं, जिन लोगों से लोग प्रेरणा लेकर के आगे पढ़े। अभी आपने एक मसला देखा, यूनिवर्सिटी में सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह और सावरकर की मूर्ति लगा दी थी, और सुबह कुछ युवकों ने सावरकर की मूर्ति पे जूतों की माला टांगी गई, उसका मुंह काला किया गया और तुरंत प्रभाव से हटा दी गई, जबकि 6 बार उसने लिखित में अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, है ना। तो ये कैसे लोग हैं, ना इनका कोई देश की आज़ादी में कोई हिस्सा था, ना इनको देश को बढ़ाने में कोई हिस्सा है। ये लोग देश को पाखंडवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि देश विज्ञान की तरफ जाए, बुद्ध के जो है ना धम्म की तरफ जाए, जो लोग बात साइंटिफिक तरीके से ठीक है उस बात को मानो, ना कि हनुमान ने सूर्य खा लिया है, किसी पंडित जी ने फ्रूट दे दिया तो बच्चे पैदा हो गए हैं, किसी ने खीर दे दी बच्चे पैदा हो गए, सूत पुत्र करण हो गए, ये कमाल के लोग हैं भाई, इनकी लीला यही जाने। हमारा राम काशी राम, हमारा भगवान काशी राम और बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हम लोग मिशन मूवमेंट के लोग हैं, अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और सरकार बनाएंगे हम लोग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।